करना हाँ तो मतलब गर्दन की लंबाई भी खत्म हो गई है, ये वैसे भी पूरी घूमी नहीं थी राइट, मैं पूरा घूमना पहले आए थे घुमाने में थोड़ा इधर उधर हो रहा था, अब तो घूम रहा हूँ हाँ चलती हुई है ना, तो आप जाके घूम रही है हाँ, थोड़ी बहुत। तो आज मेरे साथ में शिवम है, शिवम हमारे ही बिल्डिंग में काम करते हैं, और शिवम क्या उम्र है भाई? होगी सर 27-28 साल। 27-28 साल हाँ ज्यादा। अच्छा तो शिवम को आज 4-5-6 दिन हो गए, गर्दन इसकी कैसी कर गई थी, इसने बीच में 2 सेशन तो लिए थे, उसके बाद नहीं लिए थे, कितने सेशन? 2 सेशन हाँ, दो। तो अभी ठीक हुई है नहीं हुई है, कितना ठीक हुई है? आज थोड़ा बहुत है, तर अभी दर्द यहाँ हो रहा है गर्दन पे। हाँ तो ये होता है कि जब पूरी तरह से आप ये भी देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइट है, दिन भर बैठे रहता है, चलता भी रहता है, यानी कि एक्टिविटी रहती है, लेकिन हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, फिजिकल काम ज़्यादा है। और सोते कैसे हो? ऐसे सोते हैं बिना तकिए लगाते। क्यों तकिए क्यों नहीं लगाते, किसने बोला? तकिया आएगा तो लगाते हैं। तकिया नरेंद्र आज इनके तकिया ला देना ठीक है मेरी तरफ से। तो तकिए के साथ सोना जरूरी है, जब तकिए के बिना सोते हो तो ये दिक्कत ज्यादा आती है, पूरी पीठ अकड़ जाती है, जब जितनी ज्यादा पीठ अकड़ेगी शेप शरीर का खराब होने लग जाएगा, उसी की वजह से ये बार बार हो रही है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा कि शिवम कितना परेशानी में है और कैसे मैनेज कर रहा है, और आप में से भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप एक्टिव प्लस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और शिवम और कुछ बताना चाहोगे, बोलना चाहोगे? कॉन्शियस मत हो, आराम से रिलैक्स होकर बोलो। क्या बोलना चाहेंगे तर, अब ऐसे कोई दिक्कत होती तो बोलते हैं बस, अब तो ऐसे प्लान में कोई भी दिक्कत है नहीं। दिक्कत नहीं है, बट इससे तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क पड़ रहा है? हाँ काफी फर्क पड़ा हुआ है। तो कैसे क्या क्या दिक्कत आ रही है? अब बस ये थोड़ी सी गर्दन नहीं घूम रही, पहले जो दिक्कत थी उससे काफी आराम मिला है। नहीं आराम तो मिल गया, बट अगर ये गर्दन पूरी नहीं घूम रही है। हाँ जी इधर से इधर से गर्दन की लंबाई भी खत्म हो गई, ये वैसे भी पूरी घूमी नहीं रही है राइट, बहुत ज्यादा अखड़ी हुई है। तुम थोड़ा सा हाथ वाथ भी चलाया करो, छोड़ो एक से तो मैंने अभी सिटिंग पोजीशन में करके इनके नीचे के थोड़े से जॉइंट्स स्पाइनल जॉइंट्स खोले हैं, अब मैं देखता हूँ कि डोर्सल जॉइंट्स कितने खुलते हैं और फिर मैं नेक के एडजस्टमेंट करूँ। लेटो शिव और थोड़ा सा गर्दन में थोड़ा सा लचक आई ये करने से? हाँ ये चलती हुई है ना, तो आप जाके घूम रही है गर्दन थोड़ी बहुत। हाँ जाओ सामने रख लो। ये सरस का पोस्चर ही खराब हो गया एक्चुअली, इसे टर्न करेंगे मेरी तरफ, करवट ले लो मेरी तरफ इस तरफ घूम जाओ, इस तरफ घूम जाओ, घूम जाओ। मैं गर्दन तो खड़े रहा हूँ, अब आएगा तो मैं कमर भी कर देता हूँ, कमर पेट तो कम करो, वो छचौड़ी खाते रहते हो आज आया भी छोटी वाला? नहीं आज नहीं आया। आज तो नवरात्र है ना, भंडारा लगेगा। लेटो लेटो अटका हुआ है सीधा, इसे छोड़ो, इसे रिलैक्स करो आराम से। अब ये ऊपर के जॉइंट्स खुल रहे हैं, नीचे के पहले खुल गए थे, अब देखो गर्दन वहां पे अब नहीं उतना हो रहा था। हाँ मैं पूरा सर घूमना पहले आए थे घुमाने में थोड़ा इधर उधर हो रहा था, अब तो घूम रहा हूँ गर्दन में। जैसे पहले तो तकिया लगा के ही सोएं, बिना तकिए के बिना मत सोएं, और बिना तकिए के सोएंगे तो ये दिक्कत आप सबको भी किसी को हो सकती है, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, शिवम थोड़ा सा कॉन्शियस है वीडियो के लिए क्योंकि मैंने उसको बुलाया था, मैंने कहा तेरे साथ वीडियो बनाएंगे, और इसलिए सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तुम भी दिखाओ. ठीक है, ठीक है, थैंक यू.